नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बढ़ रहा है देश में असहिष्णुता का माहौल। क्योंकि यूथ में है सबसे ज्यादा असहिष्णुता का माहौल। आज की सबसे बड़ी कवरेज, जी हां, आज का वायरल सज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी कवरेज में मेरे साथ में मेरे सहयोगी मानसी आचार्य मेरे साथ में जुड़ गई है। आगे की जानकारी आपको देगी मानसी आचार्य। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका। जी हाँ, इस वक्त मौजूद है जीटी में, गार्डन टावर में, जो जयपुर का सबसे क्राउडेड एरिया माना जाता है, जहां पर यूथ सबसे ज्यादा आता है। तो आज हम इस यूथ से सवाल उठाने वाले हैं कि ऐसा क्या हो रहा है हमारे देश में कि जिससे इनटॉलरेंस खत्म हो रहा है। जी हाँ, इनटॉलरेंस यानी कि असहिष्णुता, क्या है ऐसा हमारी यूथ में जिससे हम संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं, हम सहनता खत्म हो रही है हमारी। तो आज हम इसी बारे में यहाँ के यूथ से, यहाँ पर जो भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी राय। तो चलिए देखते हैं सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता देंगे। माय नेम जितेश कुमार मीना। सर, आप ये बताइए कि जो कुछ भी अभी हमारे देश में चल रहा है, चाहे हमारी राजनीति है, अगर हमारी फिल्मों के बारे में बात करें, कोई भी फिल्म बनती है तो लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, और कोई भी मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कुछ भी ऐसा होने लगता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन, मटकी फोड़, ये सब होता आ रहा है। जैसे कि आप जयपुर में या पूरे देश में माहौल देख सकते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है कि क्या वाकई में हमारी जो यूथ है आजकल की, जो हमारा ये पीढ़ी आई है, उसमें सच में सहनशीलता खत्म होती जा रही है? यस मैम, जो न्यू जनरेशन है उसमें थोड़ी सेंसिटिव कैपेसिटी है, वो थोड़ी लूज है, और जो जैसी सिचुएशन है उसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे, बस यही है। और तो क्या अभी हूँ मैं, और जनरेशन थोड़ी इफेक्टिव है, बस थोड़ी सहनशीलता कम है जब लोगों में, और कुछ क्राइम है, कुछ भ्रष्टाचार है, कुछ ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए हल क्या होना चाहिए? हमें अपनी जनरेशन को ऐसा क्या देना है कि वो लोग इस सहन शक्ति को बरकरार रखें और इस देश को परफेक्ट बनाने में लगे, ना कि उसकी बुराइयां निकालने में? जी सर, इसके लिए खुद को पहले, सबसे पहले खुद को, खुद में इम्प्रूवमेंट करना होगा कि मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसके लिए खुद जिम्मेदार है, कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं है इस मैटर में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा कि अपना ये देश है ना, आजकल बहुत वो हो रहा है, क्या मतलब पढ़ने ओढ़ने की समस्या है, अपना देश बहुत वो मतलब नीचे गिरता जा रहा है। सर, यहाँ पे बात हो रही है इनटॉलरेंस की, यानी कि असहनशीलता की। तो आपका कहना है कि पहनने ओढ़ने से, यहाँ पर जितनी औरतें हैं मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी, आप प्लीज यहाँ पर बने रहिएगा, कि पहनने ओढ़ने से क्या सच में सहनशीलता पर फर्क पड़ रहा है? आपका ही कहना नहीं पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा समझा सकते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है? इससे देखने के लोगों के नजरिए अलग होते हैं, क्या क्या पता नहीं क्या क्या होता है, सोचने की शक्ति अलग होती है। अच्छा, थैंक यू सर। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सर ने कहा कि पहनने ओढ़ने से औरतों के सहनशीलता खत्म होती जा रही है, कि हम जैसा पहनते हैं, आज मैं भी एक लड़की हूँ, मैं जैसा पहन रही हूँ उससे लोगों के देखने का नजरिया गलत होता है, तो आपका क्या मानना है कि ये नजरिया गलत है या सोच गलत है? जो अपनी आजादी है पहन सकते हैं, जब लड़के पहन सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहन सकते, लड़कियां क्यों नहीं पहन सकती है? हर बात में लड़कियों को कहते हैं कि आप ऐसे कपड़े पहनो, अपने जो हमें चीज पसंद आएगी, जो कपड़े पसंद आएंगे, हमें पता है कि हम क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे, तो हम पहनेंगे। इसमें तो सोच, उनका नजरिया गलत है जो ये बोलते हैं, तो उनको नजरिया चेंज करना है। उनके घर में भी उनकी माँ बहनें हैं, तो उनको उनके हिसाब से चलना है कि उनकी बहन को कोई कुछ ना कहे, लेकिन हमारी जो मर्जी हम पहनेंगे, हम लड़कियां हैं, हमारे बच्चियां हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बहुत बहुत थैंक यू मैम। अब आप ये बताइए कि ये इसी पहनने ओढ़ने की बात पे हम बात करते हैं कि जो आजकल कंट्री में रेप हो रहे हैं, जितनी ज्यादा बदसलूकी होती जा रही है, ईव टीसिंग होती जा रही है, उस पर आप क्या कहना है? उसके लिए जैसे कि सर ने कहा कि हम इसको जिम्मेदार ठहराते हैं, तो क्या आप भी उसी बात को जिम्मेदार ठहराती हैं कि पहनने ओढ़ने से इस तरह के हादसे होते हैं? पहनने ओढ़ने से तो उस पर फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे आप सूट पहन के जाओ तो भी आप लड़के कमेंट करते हैं कि ये कैसे है, वो होता है उनको नजरिया, कि उनकी नजरें आजकल बहुत खराब हो गई, जहाँ देखो
लड़कों की जेंट्सों की नजरें लड़कियों के कपड़ों को कम देखते बस फेस पे जाते हैं, ये लड़की अच्छी है चाहे कैसी भी, उनको तो बस अपना एंजॉय करना है। वो किसी को देखते नहीं है कि किसी की बहन है किसी की बेटी है। सूट में आप चले जाओ साड़ी में चले जाओ फिर उनके संग रेप क्यों होते हैं? उनको रोकना चाहिए ना कि हम तो सूट में आए हमको आप क्यों आप हमारा करो, लेकिन नहीं वो ये नहीं समझते, वो सकते लड़की है ये लड़की है चाहे छोटी बच्ची हो, छोटी बच्ची को आजकल क्यों कर रहे हैं बेचारी? वो तो नहीं जानती है ना कि भाई कपड़े क्या होते हैं, वो तो जैसे कपड़े पहनते हैं उसके संग भी तो ये गलत होता है। तो उनको लड़कों को या जो भी ये करते हैं उनको रोकना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। तो इनका कहना था एक तरफ कि कपड़ों से ये सारी चीजें और हरकतें बढ़ती जा रही हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ एक महिला है उनका कहना है कि आपको अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। इसी पे कंटिन्यू करेंगे सर। हेलो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता सकते हैं? सर आप ये बताइए कि आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है असहिष्णुता, जो हमारे देश में काफी हद तक बढ़ चुका है, और सहनशीलता इंटॉलरेंस, हम हर छोटी बात पे हर मुद्दे का बवंडर बना के सरकार को कोसने लगते हैं, हमेशा हम दूसरों की जिम्मेदार ठहराते हैं। आपको क्या लगता है किस हद तक ये सही है और किस हद तक हमें इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमें अपनी कंट्री को परफेक्ट बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए, ना कि सरकार को या दूसरों को ब्लेम गिव करना चाहिए? इसलिए सबसे ज्यादा सरकार ही दोषी है। अच्छा। सरकार ऐसे दोषी है कि न्यायालय में अपन जाते हैं, साफ पता लगता है एक वकील झूठ बोल रहा है एक सच बोल रहा है, जज कुछ भी नहीं कर सकता। एक तो अपन बोलते हैं सच बोलना चाहिए, एकदम साफ पता है कि एक झूठ बोल रहा है एक सच बोल रहा है। इसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण देके सुनाऊंगा आपको। एक गाय जा रही थी जोर से दौड़ रही थी, उसको एक शेर मिला, शेर बोला बहन इतनी जोर से क्यों दौड़ रही है? वो बोली कि आज पुलिस फोर्स आई हुई है और भैंसों को पकड़ रही है। तो क्या भैंसों को क्यों पकड़ रही है? कि एक भैंस ने एक नेता को पटक पटक के मार डाला इसलिए पटक रही है। तो एक भैंस ने मार डाला तो इतनी भैंसों को मारने का कैसे हो गया? तो याद करो एक बार एक सिख ने एक नेता को पटक पटक के मार डाला था तो सब सिखों का पकड़ लिया और हो गया। ये सरकार बोलती हम भी कम क्यों सब भैंसों को पकड़ लो। तो बोले कि ये गाय हो तुम, तो गाय हो तुम क्यों पकड़ रही हो? तो उसने बोला कि ये तो इंडिया में तो गाय हूँ, लेकिन तो इंडिया में को पकड़ेगी तो मेरे को साबित करने में 20 साल लगेंगे कि मैं गाय हूँ भैंस नहीं हूँ। सर लेकिन यहाँ पर हम चर्चा गाय और भैंसों की नहीं कर रहे हैं, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि इनटॉलरेंस इसमें कहाँ से आ गया? हम सरकार को ही, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हम हमेशा उन्हीं को क्यों ब्लेम करते हैं? हम क्यों ऐसा कोई कदम नहीं उठाते कि जिससे हम अपनी कंट्री के लिए हम अपने देश के लिए कोई योगदान दे सके? क्यों आज हम हर छोटी बात पे हम सरकार को धमकी देते हैं कि हम हड़ताल करेंगे? जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है, चलिए उस पर बात करते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, लोग दूध सड़कों में बहा रहे हैं, सब्जियां बंद कर रहे हैं, इससे सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो वही काम कर रही है जो उसे करना है, आम जनता उसको भुगत रही है। तो ये असंवेदनशील है, ये सहनशीलता हमारे अंदर जो खत्म हो चुकी है ये उसका उदाहरण है। मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कहां तक सही है? किसान आंदोलन कर रहा है, किसान को उसका मुआवजा सही नहीं मिलता है, इतनी मेहनत करके अपने देश के लिए अनाज पैदा करता है, सब कुछ करता है, उसको नहीं मिलता। लेकिन वो अपनी ही मेहनत को पानी में बहा रहे, ये भी कहां तक सही है? अपनी मेहनत को पानी तक बहा रहे, उसको मुआवजा उसको मिलता ही नहीं है, गवर्नमेंट रेट फिक्स कर देती है, इस रेट से मिलेगा उसको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनका कहना है कि इसके लिए सरकार दोषी है, अगर हम सहनशीलता खोते जा रहे हैं तो उसके लिए सरकार दोषी है, तो हमें खुद बढ़कर तो कुछ नहीं करना चाहिए लेकिन हमें सरकार को ब्लेम गेम करना चाहिए। इसी बात में और आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूंगी कि अब मेरी सहयोगी अंकित इसके साथ जुड़े, और अंकित आप बताएं कि क्या है अभी आपके नजरिए में और आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे क्या राय मिल रही है आपको? धन्यवाद मानसी। देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरह देश में असहिष्णुता का माहौल चल रहा है, यानी कि अगर बात की जाए असहनशीलता की, जिस तरह राजनेताओं ने अभिनेताओं ने जिस तरह अपने बयान दिए, जिस तरह शाहरुख खान ने एक बयान दिया था कि अब मुझे अगर कुछ भी आजादी के साथ बोलना है तो मुझे भारत देश के बाहर जाकर के बोलना पड़ेगा, ऐसे ही दूसरे अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी आजादी से अपने बयान रखे तो आम जनता ने उसका विरोध कर दिया। इसी के लिए हम आगे की ये पूरी जो आप हमारा जो विशेष कार्यक्रम है उसे कंटिन्यू हम पूरे रखते हैं, क्योंकि यूथ में सबसे बड़ा सवाल क्या देश में असहिष्णुता का माहौल बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कई मुद्दे गर्म होकर उठेंगे और कई मुद्दों पर राजनीति भी होगी। इसी के बीच हम मौजूद हैं गौरव टावर के उस यूथ के बीच में जहाँ असहिष्णुता को लेकर सबसे बड़ा वायरल सच है। बात करेंगे हम आने वाले लोगों से कि
कि क्या है असहिष्णुता का देश में माहौल, जितना भी हो सके देश में असहिष्णुता का माहौल खत्म करें, ये हमारी आज की सबसे बड़ी पड़ताल सामने आई है। मानसी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह यूथ में सबसे बड़ा सवाल हो रहा है, चाहे उसे असहिष्णुता का माहौल, क्योंकि हमारी सोचने और विचारने की शक्ति बिल्कुल कम हो रही है। कईयों ने इसे राजनीतिक मुद्दा जरूर दिया है, लेकिन क्या देश में आत्महत्या जो बढ़ रही है वो हमारी कैपेसिटी से कम है? क्योंकि राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जिला कोटा, उसमें आत्महत्याओं का सिलसिला नंबर वन है। वही दूसरा जिला राजधानी जयपुर है, जहां यूथ में आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। तो इसे खत्म करने के लिए असहिष्णुता का माहौल भी हमें खत्म करना पड़ेगा। जी मानसी, आगे की कवरेज के लिए मानसी के पास हमारे साथ मौजूद है। मानसी, सुन पा रहे हैं हमें? इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, इसी चर्चा, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे। सर, आप जैसा कि मैं देख सकती हूँ आप कपल हैं, तो आप इस चीज से कितना सहमत हैं, आप इसे कितना अग्री करते हैं कि जो हमारी कंट्री में अभी जिस तरह के हालात हैं कि हम अक्सर नरेंद्र मोदी, किसी भी न्यूज चैनल में देख लीजिए आप, नरेंद्र मोदी को हम कोस रहे हैं, क्या हम ये भूल गए हैं कि उनकी जो पोस्ट है वो एक प्रधानमंत्री की है? माना कि वो अपोजिशन के हैं, कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी प्राइम मिनिस्टर की वो इज्जत भूल चुके हैं, और उसी चलते ये सारे धरने, ये सारे मुद्दे आज बढ़ते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? मैं इस पे मैडम यही कहना चाहूंगा कि आजकल के जो यूथ है ना, जो अच्छा काम हो रहा है ना, उसके अगेंस्ट ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसको ही मायने देते हैं कि कोई अच्छा कर रहा है ना, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उनको उनसे मतलब है जहाँ पे इनको अपना मतलब निकालने को मिले, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, ये अपने अपने जगह कोई भी सही है या नहीं, इसका अपन नहीं। अब आप खुद देख रहे हैं कि मोदी ने आज तक में जितने भी अच्छे काम किए उसको कोई भी आगे से आगे ले जाके कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम अपने देश में अगर आप बात करो कि अगर कोई अच्छा कर रहा है ना, तो यहाँ पे एज ए क्रोकोडाइल टाइप में या फिर इस तरीके का ये होगा कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे पकड़ के नीचे खींचो, और जो इसको नीचे पकड़ के खींचेगा उसको बढ़ावा देते कि हाँ हमारे को उठना है तो किसी को तो नीचे गिराना होगा। इसी रवैये के कारण आज हमारे ये पॉलिटिशियन और ये इस लाइन पे। मैम आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एज ए गर्ल, एज ए वुमन, जो अभी कुछ टाइम पहले हमारे देश में घटना हुई है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत शर्मनाक है, कि हम एक फिल्म को एज ए फिल्म नहीं देख रहे थे, हम उसे एक एंटरटेनमेंट नहीं देख रहे थे, हमने उसे एक चर्चा का विषय बना दिया था, एक मुद्दा बना दिया था, उसके लिए जो शायद इस दुनिया में है भी नहीं, और उन लोगों को हम नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे जो अभी तक इस धरती पर हैं, और वो हमारी कंट्री के लिए कहीं ना कहीं से सर्व कर रहे हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप उन पे क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं एक औरत के नजरिए से कितनी शर्मनाक हो सकती है? ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। पद्मावती को तो अपने, आप पद्मावती के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपना इतिहास था, उन्होंने क्या किया, अपने अपने हिस्ट्री को, जो आज की जनरेशन है, जो यूथ है, जो चाइल्ड है, उन्होंने कभी देखा नहीं, वो उनके लिए एक अच्छा था कि वो जाने तो सही कि अपने अपनी हिस्ट्री क्या है, और जो ये जो राजपूत लोग ज्यादा वो कर रहे थे तो वो काफी गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या हुआ, अपनी जो वकीले वगैरह थे उनको नुकसान पहुँचाया गया, बहुत डेथ केस भी हुए जो काफी रॉन्ग है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इनका कहना है कि यूथ इस पर काफी रिस्पॉन्सिबल है, अगर हमें बदलाव लाना है, जैसा कि मैं एक डायलॉग यूज करना चाहूंगी रंग बसंती से, कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, बिल्कुल इनका भी यही कहना है कि हमें कंट्रीब्यूट करना है अपनी कंट्री के लिए, हम सिर्फ सरकार पर या किसी पर दोष नहीं दे सकते, हमें खुद को करना चाहिए। इसी बात पे और आगे की जानकारी के लिए चाहूंगी अंकित हमारे साथ जुड़ जाए। अंकित जी, मानसी धन्यवाद आपको। देखिए जिस तरह असहिष्णुता का माहौल देश में चल रहा है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हम अपने सोचने और विचारने की शक्ति एक तरह से पूरा खत्म कर चुके हैं। क्यों बढ़ रहा है ये असहिष्णुता का माहौल? क्या ये एक सोशल मीडिया का एक माध्यम है? क्यों? क्योंकि आजकल हम देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ज्यादातर रहते हैं, घर परिवार में ज्यादातर समय नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या देश में असहिष्णुता का माहौल खत्म होगा? इस पूरी जानकारी के लिए हम मौजूद है गौरव टावर के उस फ्लोर पे, जहां बच्चे, बुजुर्ग और युवा शामिल है। आइए हम बात करते हैं देश के युवा से, कि जहां देश में असहिष्णुता का माहौल बना हुआ है, कि अब सोचने विचारने की शक्ति जो युवाओं में खत्म हो रही है, उनको लेकर क्या इनकी सोच है? क्या नाम है सर आपका? सर मैं विनोद पसारी हूँ, मैं झारखंड से हूँ। सर, जिस तरह देश में असहिष्णुता का माहौल बना हुआ है, युवाओं में सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो गई है, चाहे वो किसी फिल्म को लेकर के हो, राजनीति को लेकर के हो, या
सुसाइड या आत्महत्या को लेकर के हो, क्या कहना है इस बात? नहीं सर, ऐसा मैं नहीं मानता। कहाँ है असहिष्णुता? कहीं भी नहीं है। ये एक लोगों का बनाया हुआ एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ है कोई ऐसा माहौल? मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा माहौल है। जिस तरह देखा जाए तो आज कोई भी फिल्म आ रही है उसका सड़कों पे विरोध हो रहा है, किसान किसानों की बात नहीं मानी जा रही तो वो रोड पे आ रहे हैं, क्या सब में जनता का दोष? नहीं, नहीं, कोई कोई मतलब जी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये केवल एक माहौल की तैयार किया जा रहा है। ये ऐसा कि बस क्या क्या कहाँ आप स्वतंत्रता से घूम रहे हैं कि नहीं? हम स्वतंत्रता से मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग आ जा रहे हैं कि नहीं? ये सब केवल पॉलिटिकल ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी स्वतंत्र, मतलब जितना सहनशीलता अपने भारतवर्ष में है, हमको नहीं लगता कि किसी भी कंट्री में इतनी सहनशीलता। यहाँ पे प्रधानमंत्री को लोग गाली बक देते हैं, आप बोलते हैं असहनशीलता, कहाँ है असहनशीलता? प्रधानमंत्री जी गाली सुन के भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। पहले अभिनेता शाहरुख खान ने एक बयान दिया था कि अब मुझे कुछ भी स्वतंत्र बोलना है तो मैं भारत के बाहर जाकर बोलूंगा, उसमें आपकी क्या राय? नहीं नहीं, ऐसा शाहरुख जी ने ऐसा नहीं कहा था। शाहरुख जी ने जो बोला वो कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन लोग कुछ और मीनिंग निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो आप कुछ बोल रहे हो, अभी मैं ही कुछ बोल रहा हूँ तो बोल देंगे कि नहीं उन्होंने कुछ और बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहरुख जी ने जो बोला वो चूंकि सेलिब्रिटी है, उनकी बातों का गलत मतलब निकाल दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीबॉडी यहाँ फ्रीडम है, खूब बढ़िया है, सब कुछ है, सबको चाहिए कि मिलजुल के यहाँ रहे, और सहनशीलता जबरदस्त है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, असहनशीलता कुछ नहीं है सर। क्योंकि आपने अपने लाइफ बहुत गंभीर मुद्दों से देखी होगी, बहुत परिश्रम करके देखा होगा, क्या आपके जमाने में भी इस तरह का माहौल क्रिएट होता था? क्योंकि असहिष्णुता का माहौल उस वक्त जहां तक मैं समझता हूं कम होता होगा, क्योंकि इस समय राजनीति का दौर जो है वो काफी गिर चुका है मेरे नजरिए से। आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों में असहिष्णुता का माहौल बढ़ रहा है या उनमें सहन शक्ति खत्म हो रही है? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जो भी मुद्दा हो असहिष्णुता का माहौल, चाहे वो देश में, भारत देश में हो या भारत देश के बाहर, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमें और हम सबको मिलकर आज ये प्रण लेना होगा कि देश में असहिष्णुता का माहौल खत्म करें और इस देश को भारत यानी कि हम उस देश में गर्व से रह सके जहां हमें बोलने की आज़ादी हो। आज का सबसे बड़ा वायरल सच, क्या देश में खत्म हो रहा है असहिष्णुता का माहौल? इसी के साथ में मेरे सहयोगी मानसी आचार्य मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। मानसी, आगे की जानकारी अब आपको देंगे। अगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने मौजूद लोगों से बातचीत की, उन्होंने काफी तरह के नजरिए सामने आए हैं हमारे कि कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर पहनने की वजह से रेप होते हैं और इस वजह से देश में इंटॉलरेंस बढ़ जाता है, असहिष्णुता बढ़ जाती है, हमारी सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। कुछ लोगों ने सरकार पर भी ब्लेम गेम किया, लेकिन ये चर्चा, ये मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं होता है, ये आगे भी चलता रहेगा। ये हमारी तरफ से, सत्यमेव की तरफ से एक छोटी सी मुहिम है जिसमें हम बात करना चाहते थे और आज हमने यहाँ पर काफी लोगों से ये जानकारी जुटाई है, जिससे कि ये सामने आया है कि यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन यश के साथ मानसी आचार्य, सत्यमेव न्यूज़।